हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बेस्ट बजट लैपटॉप अंडर 20,000। एक्चुअली आप लोगों के काफी सारे कमेंट आते रहे हैं कि हमारा बजट कम है, हमारा बजट 20,000 तक ही है, तो 20,000 के अंदर हम ऐसा कौन सा लैपटॉप लें जिसके अंदर सभी नॉर्मल वर्क हो सके। हम लोग यूट्यूब चैनल को अगर चला रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, YouTube चैनल खोलना चाहते हैं, YouTube चैनल के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, उसके लिए एडिटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, बट हमारा बजट बहुत ही कम है जो मात्र 20,000 रुपए ही है, तो 20,000 के अंदर ऐसा कौन सा लैपटॉप बाय करें जिसके अंदर जो है हम छोटी मोटी एडिटिंग्स भी कर सकें, फोटोशॉप वगैरह, कोरल ड्रॉ वगैरह चला सकें, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहा था, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए जहां पर हम लोग हमेशा अपग्रेड्स देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर आपका बजट कम है, यानी कि 17-18,000, 19,000, 20,000, 22,000 के आसपास अगर आपका बजट बनता है, तो कभी भी आप जो है इंटेल प्रोसेसर के साथ ना जाएं, क्योंकि उस बजट के अंदर इंटेल का जो प्रोसेसर होगा उसका परफॉर्मेंस आपको बेहतर नहीं मिल पाएगा। अगर उसी प्राइस में अगर आप एएमडी के साथ जाते हैं तो आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप मिल सकता है, क्योंकि एएमडी का जो प्रोसेसर होता है वो काफी सस्ता होता है अकॉर्डिंग टू इंटेल। मतलब कहने का यह है कि अगर इंटेल का कोई भी प्रोसेसर जो उसका स्पीड है उसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आप एएमडी बाय करते हैं, तो अगर बजट के हिसाब से देखा जाए कि अगर कोई भी एक ही दाम में अगर दोनों ही प्रोसेसर बाय करते हैं तो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन काफी हाई मिलेगा आपको एएमडी का। तो इसलिए अगर बजट कम है तो आप हमेशा एएमडी के साथ जाएं। लेकिन लोगों का काफी मानना यह होता है कि नहीं जी, हमें तो इंटेल ही लेना है। इसलिए मैं इंटेल भी इसके अंदर बताने वाला हूं कि इंटेल के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो 20,000 के अंदर अंदर आप कौन सा लैपटॉप बाय कर सकते हैं, और एएमडी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो इंटेल के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पसंदीदा आप लोगों का ब्रांड होता है डेल, जो सबसे ऊपर लोग सबसे पहले डेल का नाम ही लेते हैं, तो अगर आपको डेल में चाहिए कि डेल के साथ हमको 20,000 के अंदर अंदर चाहिए, तो ये जो लैपटॉप है आपको मिल सकता है 18,490, यानी कि 18,500 रुपए में ये आपको मिल जाएगा, जो है पेंटियम 15.16 इंच के अंदर, 4GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है, और Ubuntu के साथ आएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा। तो अगर देखा जाए पेंटियम के साथ में, तो दाम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से और डेल ब्रांड के हिसाब से एक ये लैपटॉप ठीक ठाक हो सकता है। बट अगर आपको थोड़ा मोड़ा सीखने के लिए सिंपल ऑफिशियल वर्क करना है, एमएस ऑफिस वगैरह चलाना है, तो आपके लिए ये जो है लैपटॉप सही हो सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग्स वगैरह आप भी आप इस पर करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको ये करेगा, आप इसके साथ में कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। और इंटेल के अंदर ही जो अगला है वो है आसूस का ये मॉडल, जो आपके लिए हो सकता है। इसका भी स्क्रीन साइज वही है, 15.6 इंच ही है, और इसके अंदर भी आपको मिल जाता है सेलरोन। एक्चुअली सेलरोन के साथ में आएगा N4000, और 4GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है, बट इसके साथ बेनिफिट यह है कि इसके साथ में जो है आपको मिलेगा विंडोज 10 Gen 1, और यह भी आपको उसी रेट में पड़ रहा है, 18,490, यानी कि 18,500 में भी पड़ रहा है यह भी। तो अगर देखा जाए यहां पर डेल के अकॉर्डिंग, अगर डेल के ब्रांड के साथ आपको नहीं जाना है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखा जाए तो इस सेलरोन चूंकि बेस्ट हो सकता है और ये N4000 के साथ में है, तो ये ठीक ठाक है कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4GB रैम है ही है, 500GB हार्ड ड्राइव है ही है, एक जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वो आपको विंडोज 10 Gen 1 आपको मिल जाएगा। तो यहां पर ये बेनिफिट हो सकता है अगर डेल की जगह पर आप इस आसूस को लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो आता है एचपी का, जो काफी लोगों का फेवरेट ब्रांड है। तो अगर एचपी के साथ अगर हम देखें यहां पर, तो स्क्रीन साइज वही है 15.6 इंच में ही, और इसके अंदर आपको मिल जाता है सेलरोन N3550, बट इसके साथ 4GB रैम के साथ आपको मिलता है 1TB का हार्ड ड्राइव, और डॉस के साथ में आएगा, यानी कि इसके साथ में भी आपको जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग से लेना ही होगा। तो बट यहां पर अगर प्लस पॉइंट अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर अगर हम इसका प्लस पॉइंट देखें तो इसमें 1TB हार्ड ड्राइव आपको मिल जा रही है। बट यहीं पर अगर हम आसूस के जगह पर बात करें, जो पिछला आपने देखा ये आसूस वाला,
और इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन मिल जाए, N3550 आपको मिल रहा है और वहीं पर जो ASUS है वहां पर आपको N4000 मिल रहा है, तो प्रोसेसर जो है थोड़ा सा इससे आगे मिलेगा आपको। तो अगर आपको परफॉर्मेंस पर जाना है तो ASUS वाला बाय कर सकते हैं, उसके साथ में एक और बेनिफिट मिल जाएगा आपको, एक तो प्रोसेसर थोड़ा सा हाई मिल रहा है और दूसरा जो है आपका विंडोज 10 जेन्युइन उसके साथ में आ रहा है। और यहां पर चूंकि 1 TB का हार्ड ड्राइव मिल रहा है लेकिन उसके साथ में लॉस ये हो रहा है कि विंडोज आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा और प्रोसेसर थोड़ा सा उससे डाउन मिल रहा है। तो इस तरीके से ये तीन ही जो है इंटेल का लैपटॉप मैं लेकर के आया हुआ था, ये तीन ही समझ में आया। तो एक्चुअली लास्ट में लोग हमारा ओपिनियन पूछते हैं, तो अगर जहां तक मेरा जो ओपिनियन ये है कि अगर इंटेल में ही आपको लेना है तो मेरे हिसाब से आपको जो है ये ASUS का लेना चाहिए। यहां पर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि विंडोज 10 आपको जेन्युइन मिल रहा है और जो है बिल्कुल लेटेस्ट आपको जो है सीपीयू मिल रहा है, इसके साथ 4GB रैम जो है DDR4 का होता है, इसीलिए जो है बेनिफिट आपको बेहतर हो सकता है। बट यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लेना चाहते हैं, बजट कम है, तो आप इंटेल के साथ ना जाएं, उसके लिए आप जो है AMD बाय करें। तो चलिए देखते हैं एमडी में देखते हैं क्या क्या आपको मिल सकता है। तो एमडी के अंदर डेल, चूंकि डेल के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, तो डेल के अंदर जो है ये वाला मॉडल आपके लिए हो सकता है और ये जो 15.6 इंच के अंदर ही E2 AMD का E2 प्रोसेसर जो है 9000 आपको मिल रहा है इसके साथ में और 1.8 GHz इसकी स्पीड होती है, 4GB रैम और 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ में ये मिलेगा, Ubuntu के साथ आएगा, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको अलग से इंस्टॉल करना होगा। बस ये जो लैपटॉप है आपके इंटेल जो सेलरॉन वगैरह है उससे काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। तो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि ये जो काफी हीट होता है, एमडी काफी हीट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको इंटेल ही लेना है तो उनमें से आप ले सकते हैं, ASUS ले सकते हैं, और अगर आपको AMD के साथ जाना है, बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए इसी प्राइस के अंदर, आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए तो आपको AMD लेना चाहिए। तो इसका भी जो भी मॉडल में लेकर के आया हूं उसको सभी को देख लेते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना सही होगा। तो ये वाला मॉडल आपको मिल जाएगा 19,490 रुपए के अंदर, और उसके बाद जो इससे अगला वो है Acer का, ये 15.6 इंच के अंदर ही है, AMD ड्यूल कोर ही है, E2 9000 प्रोसेसर ही है, बिल्कुल सब कुछ वही है, 4GB 1TB हार्ड ड्राइव भी है, विंडोज 10 के साथ में ये आएगा, और इससे पहले जो था ये Ubuntu के साथ में आएगा, बट इसका प्राइस जो है डेल के वजह से ये जो है आपको पड़ रहा है 19,000 का। और वहीं पर अगर इसको इसकी हम बात करें तो यहां पर जो बेनिफिट आपको एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है कि इसके साथ में जो है विंडोज 10 होम जो है ऑलरेडी आएगा, तो यानी कि बेनिफिट भी हो रहा है और देखा जाए तो यहां पर प्राइस में काफी अंतर आ जा रहा है। बिल्कुल सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वही है, यानी कि आपका जो डेल का लैपटॉप है जो पिछला हम लोगों ने देखा यही वाला सेम कॉन्फ़िगरेशन इसका है, बट इसके अंदर विंडोज 10 का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जा रहा है कि विंडोज 10 जेन्युइन आपको मिलेगा और साथ में इसका प्राइस काफी कम है, ये जो है 17,284 रुपए में है। तो अगर E2 9000 के साथ में लेना है तो ये अभी सही लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेनवो हो सकता है। लेनवो के अंदर क्या है, बिल्कुल प्रोसेसर वही है E2 9000 और 14 इंच के अंदर, ये 14 ये इसकी स्क्रीन साइज जो है जो पहले वाले दो हमने देखा उससे छोटा है। अगर स्क्रीन साइज समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले जो कुछ सालों से अखिलेश सरकार ने जो बांटा हुआ था वो साइज इसका मिलेगा आपको 14 इंच के अंदर। इसके अंदर सब कुछ वही है, यानी कि 4GB रैम है DDR4 का, 1TB हार्ड ड्राइव है, विंडोज 10 के साथ ये भी आएगा, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है 19,473 रुपए, यानी कि 19,500 में ये भी आएगा। तो डेल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर भी एक विंडोज 10 का बेनिफिट आपको मिलेगा, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो AMD A4, इससे पहले जो हमने देखा Lenovo और एक ये Acer का और Dell Inspiron का, इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन लगभग ठीक है, और जो है यहां पर इन दोनों के अंदर क्या है, विंडोज 10 होम आपको मिल रहा है, तो इन दोनों में डेल से काफी बेस्ट हो सकता है। बट सबसे बेस्ट अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो अभी फिलहाल जो है Acer का ये वाला मॉडल हो सकता है, क्योंकि 15.6 इंच के साथ में आपको एक तो सस्ता पड़ रहा है, 17,284 रुपए में मात्र ये मिल जाएगा आपको, और बेनिफिट ये हो रहा है कि विंडोज 10 इसके साथ में भी आ रहा है, जो अगला है इसके साथ में भी विंडोज 10 है, बट इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, 19,500 के आसपास इसका कॉस्ट है। तो इस तरीके से जो है अगर AMD E2 के साथ जाना है तो इनमें से आप जो है मेरे हिसाब से Acer का ये मॉडल लेना चाहिए। उससे आगे हम चलते हैं, ये है AMD का A4 साइज, A4 सीरीज के अंदर अगर ये देखा जाए तो A4 सीरीज के अंदर ये 4GB जो है रैम है, DDR4 रैम है, 1TB हार्ड ड्राइव,
के साथ में ये जो है लिनक्स के साथ में आएगा, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग से इसके अंदर इंस्टॉल करना होगा। और इसका प्राइस जो है 16,989 रुपए, यानी कि 17,000 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। अगर A4 सीरीज का अगर आपको चाहिए तो ये कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर आपको यूट्यूब चैनल चलाना है तो आप इसके बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट AMD का जो इस वक्त है मेरी नजर में, और ऑनलाइन जो है अगर इसी वक्त लेना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, आप चेक कर सकते हैं। और इन सभी का रेट प्राइस जो है हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, बट इस समय प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर जो है HP का ये मॉडल जो है AMD A6 14 इंच के अंदर, अगर 15.6 में आपका काम चलेगा तो इससे पहले A4 साइज ले सकते हैं, या फिर E2 9000 वाले में से जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट अभी अगर मुझे लेना होता तो मैं इस वाले लैपटॉप को बाय करता, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि इसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा कम है, चूंकि मैं हमेशा से 14 इंच ही यूज करता हूं, क्योंकि वो कंफर्टेबल साइज होता है, कहीं पर भी लेकर के जाने आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो 14 इंच स्क्रीन साइज के अंदर A6 प्रोसेसर लगा हुआ है AMD का, जो बिल्कुल इंटेल के i3 के बराबर काम करने वाला है। यहां पर जो है DDR3 4GB रैम के साथ में 500GB हार्ड ड्राइव है, और DOS के साथ में आएगा। भले ही ये 500GB हार्ड ड्राइव के साथ में है, DDR3 4GB के साथ में है, बट इसका प्रोसेसर जो है बहुत ही पावरफुल है, A6 है, इसलिए जो है 2.0GHz के साथ में। तो आज के डेट में अगर आपको बाय करना है 20,000 के अंदर अंदर, तो 18,331 रुपए के अंदर इससे बेस्ट लैपटॉप और नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल i3 की तरह परफॉर्मेंस देता है और बहुत ही बेस्ट रहता है। क्योंकि आज तक मैं खुद 4GB के साथ i3 ही यूज करता हूं, किसी भी प्रकार का कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं है। क्योंकि इसके साथ में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि इसके साथ में जो ग्राफिक आता है और रीजन का R4 ग्राफिक मिलता है इसके साथ में, जो काफी बेस्ट काम करता है। तो अगर आज के डेट में आप एक नया YouTube चैनल खोलना चाहते हैं, बजट कम है, आपको लैपटॉप लेना ही है, तो आपके लिए ये AMD A6 14 इंच के अंदर जो ये लैपटॉप है ये काफी बेस्ट हो सकता है। चाहे आप वीडियो रेंडरिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग्स करते हैं, चाहे कमटेसिया, फिल्मोरा वगैरह अगर आप चला रहे हैं, तो इन सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकता है। और अगर आप यहीं पर, चूंकि सारा काम हमारा ऑनलाइन का होता है, सब कुछ जो है यूट्यूब चलाने वाला व्यक्ति हमेशा ऑनलाइन से जुड़ा रहता है, वीडियो अपलोडिंग वगैरह करना है तो नेट वगैरह भी सही चलना चाहिए होता है। तो यहीं पर अगर आप जो है सेलरॉन लेते हैं इंटेल का, तो आप जो है बहुत दबा दबा चलेगा, और ऑनलाइन से वर्क जब भी आप करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी। बट यहीं पर अगर A6 AMD का ये HP के अंदर, HP जैसे ब्रांड के अंदर मात्र 18,331 में एक बहुत ही बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। तो लास्ट में लोग हमेशा पूछते हैं कि आप अपना ओपिनियन दिया कीजिए, तो मेरा ओपिनियन यहां पर यह है कि अगर मुझे लेना हो एक लैपटॉप और YouTube चैनल चलाने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइटेक विजन को मैं इतना ऊपर लेकर के गया हूं, तो मैं इसी के आसपास, चूंकि मैं i3 यूज करता हूं, इंटेल का i3 यूज करता हूं, जो उस वक्त जब मैंने लिया था तो करीब 30,000 के आसपास का हुआ करता था, बट आज के रेट में अगर मुझे लेना हो तो मैं इस लैपटॉप को बाय करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में यह हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका बजट कम है तो कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि काफी लोगों का, काफी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों की रिक्वायरमेंट हो सकती है एक सस्ते लैपटॉप्स की, तो ये वीडियो देखने के बाद जो है वो बिल्कुल विधिवत तरीके से एक डिसीजन ले पाएंगे, एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे कि उनको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ एक बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप पैसा अर्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा अर्न करना चाहते हैं बिल्कुल घर बैठे बैठे, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे वो घर खाली बैठे हो, तो आप जो है बिल्कुल पैसा अर्न कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं और उन सभी की जानकारी जो है हमारे नए चैनल स्मार्ट सोच पर दिया जा रहा है। आप स्मार्ट सोच चैनल पर जाएं, उसी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे फॉलो करें, ये सारी की सारी जानकारियां मैं लेकर के वहां पर परमानेंट आ चुका हूं, जो अभी फिलहाल चल रही है यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियोज वहां पर चल रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।